दिल्ली बुराड़ी परिवार के कथित तौर पर सामूहिक आत्महत्या मामले में आज पानीपत में मरने वाले परिवार के बड़े भाई ने एक निजी चैनल पर चलने वाले धारावाहिक क्राइम पेट्रोल पर बदनाम करने और मामले को बिना पुष्टि के प्रकाशित करने को लेकर लीगल नोटिस भेज दिया। परिवार के भाई बहन ने आरोप लगाया है कि जब आत्महत्या की पुष्टि अभी तक नहीं हुई तो कार्यक्रम में आत्महत्या बताकर कार्यक्रम का प्रकाशन कैसे किया गया। गौरतलब है कि 30 जून को दिल्ली के बुराड़ी के रहने वाले परिवार के 11 सदस्य घर में ही फंदे पर झूलते मिले थे। दिल्ली के इस परिवार में दो भाई अपने परिवार समेत रहते थे। आज राजस्थान के कोटा से आए भाई दिनेश और पानीपत में रहने वाली बहन सुजाता ने बताया कि एक निजी चैनल द्वारा चल रहे धारावाहिक क्राइम पेट्रोल पर परिवार के सदस्यों की मौत को सामूहिक आत्महत्या बताकर प्रकाशित किया गया और उनकी फैमिली को भाटिया फैमिली बताया गया है। वो भाटिया ना होकर चुड़ावत थे। धारावाहिक में बताया गया कि अगर तीसरा भाई दिनेश चाहता तो उन्हें बचा सकता था और दिनेश का इस मामले में कहना है कि वो दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर कोटा में रहकर उन्हें कैसे बचा सकता था और तीनों भाइयों में प्रॉपर्टी का भी झगड़ा बताया गया है, पर ऐसा हमारे परिवार में कोई विवाद नहीं था। इस चैनल ने टीआरपी के चक्कर में बिना सच्चाई का पता लगाए ही कार्यक्रम प्रकाशित किया है। परिजनों का कहना है कि सीबीआई ने अभी तक परिवार के सदस्यों की मौत को हत्या या आत्महत्या किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की है, तो धारावाहिक में आत्महत्या क्यों प्रकाशित किया गया। आज दिनेश ने अपनी बहन सुजाता के साथ पानीपत के कोर्ट में वकील मोमिन मलिक से मिलकर क्राइम पेट्रोल धारावाहिक चलाने वाले चैनल को लीगल नोटिस भेजा है। सर, पहला तो ये दिखाया गया है कि इन्होंने साबित ही कर दिया कि हाँ साहब वो तो हैंग हुए हैं या अंधविश्वास से उन्होंने फांसी लगाई है, जबकि ऐसा अभी तक कहीं से भी पुलिस ने या क्राइम ब्रांच से भी किसी ने भी अभी तक ये अभी तो केस चला, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के इन्होंने कैसे फाइनल कर दिया है। और उसके बाद हम भाइयों को आपस में बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट है कि आज तक ऐसा हमारे भाइयों में था ही नहीं, इनको कैसे इन्होंने कह दिया इसमें। और घर में हमारा अच्छा वो है कि हम बचा लेते, कहाँ से बचाते, मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है। सिस्टर यहाँ पानीपत में रह रही है, इन्होंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया, सोनीपत लिख दिया, जयपुर लिख दिया, पूरी स्टोरी हमारी इन्होंने छाप दी, तो ये चीज़ सारी गलत है। इसके लिए हम लोग बहुत प्यारा आधार है, उन्होंने बहुत प्यारा आधार समझाया हमें इस चीज़ के लिए। आप कुछ बोल रहे थे कि भाटिया फैमिली दिखाई गई है, ऐसे भाटिया फैमिली ठीक है, ये तो हम मैं थोड़ा सा आप मीडिया वालों को भी इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ कि कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी से आप लोगों ने पूछा, मैं मीडिया जो भी वहाँ थी, अगर ये किसी अच्छे हमारे किसी फैमिली वाले से पूछते तो हमें पूरी डिटेल हमारी पता चल जाती। और इन्होंने भाटिया फैमिली, ये फैमिली जो जो भी इन्होंने रस्ते चलते जिससे पूछा और वही निकाल दिया, तो थोड़ा सा इससे मीडिया की भी लापरवाही थी। तो सर मैं किसी को नहीं मानता दोषी, ये मैं जरूर मैं मीडिया को तो दोषी इसलिए मानता हूँ कि मीडिया कम से कम किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी से अगर मीडिया पूछता है तो ये तो पूछ सकता है ना भाई आप उनके रिलेशन में क्या है, किसी रिलेटिव से पूछ सकती है सारी डिटेल लेके, उसके बाद लिखे तो हमें कोई इतराज नहीं। मीडिया ही तो एक ऐसा जरिया है जो बात आगे तक हमारी जाती है, और मीडिया ही अगर इस चीज़ को गलत तो पेश करता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, और वो हमें हुई है। तक में आया है, ABP पे आया है, ये सब चैनल्स पे ये इन्होंने शो किया सोनी है, क्राइम पेट्रोल क्राइम पेट्रोल में तो खैर आ ही रहा है, और भी बहुत सीयर फाइल्स में आया है, बहुत सी में आया है, गलत तरीके से सब चीज़ें दिखाई गई। तो मीडिया की थोड़ी सी हम ये यानी इतना बड़ा मीडिया के सिर पे ही आज सारी चीज़ें ओपन होती हैं, और मीडिया ही अगर उसको गलत थोड़ा कुछ करेगा तमाशा बना दिया। आप जिस तरह भाई हैं तो कुछ कारणों का भी आपको अंदेशा हुआ हो? तो कारण तो कुछ है ही नहीं ना, ऐसा कुछ था ही नहीं है। तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, पाठ पूजा जो नॉर्मल चलती हो घर में करते हैं, तो बहुत अच्छा था उनका, अपनी जिंदगी। देखिए ऐसा है कि वो आज तक हमें इस चीज़ का कुछ घर में तो कोई कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। आज मान लो आप देखिए आदमी ये काम कदम कब उठाता है, या तो घर से परेशान होता है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, बिजनेस की प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारे में थी। प्रॉपर्टी की हमारे में कोई आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सब वेल सेट हैं, हम अच्छे सेट हैं सब भाई, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई में हर तरह से कोई घर में तो कोई क्लेश भी नहीं था। अब ये कदम कैसे उठाए क्यों उठाए ये अगर पता चल जाए तो फिर हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं। आप क्या करें, सुसाइड नहीं है या? देखिए हम अभी तक तो मैं यही कहता हूँ कि सुसाइड नहीं है अभी इस चीज़ का, कहीं भी अभी प्रूफ ना तो क्राइम ब्रांच दे सकी है और ना ही अभी तक कोई पुलिस ने कहा है, अभी तक किसी ने ये चीज़ नहीं कही कि ये सुसाइड है, ये सिर्फ एक मीडिया की भी तरफ से कहा जा रहा है। जाँच अभी की जाँच चल रही है,
अगर सुसाइड है ये तो डिसाइड होगा बाद में, जब ये फाइनल जो डिसीजन इसका होगा तभी हमें पता चलेगा कि असलियत क्या थी, तो हमें भी नहीं पता कुछ है या किसी के कहने से। देखिए एक्सक्यूज मी, अगर ये सुसाइड का अगर हमें जानते होते तो हमें ये सारे पर्पल कंडेम नहीं करने पड़ते, अब तक हाथ खड़े कर देते, कह देते सब सुसाइड किया है और डेट्स ऑल, जो हमारी फैमिली है हम मान लेते हैं। लेकिन हम अभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करें, हमारी फैमिली हम अच्छी तरह जानते हैं, कोई ये कदम नहीं उठा सकते। आप कहना चाहते हो कि मर्डर हुआ है, ये चाहते हैं सच्चाई सामने, सच्चाई सामने तो कहने का मोटिव ये है कि सच्चाई सामने, सच्चाई सामने आनी चाहिए कि सच्चाई है। जैसे कि दिनेश जी आए हुए हैं, सुजाता जी आई हुई है, परिवार के सदस्य हैं और ये बहुत ज़्यादा आहत हैं उस मामले को लेकर के जो इनकी फैमिली को मिसगाइड किया गया है और लोगों के अंदर एक उनके प्रति जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनके जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो लोग, उनके प्रति एक डिफेमेशन का एक मामला किया गया है, उनको मरे हुए को भी बदनाम किया गया, इस फैमिली को भी एक बदनाम करने की कोशिश की गई है, लोगों को मिसगाइड करके सिर्फ और सिर्फ अपनी नाटक को चलाने के लिए, एक TRP हासिल करने के लिए और एक कमाई का साधन को मजबूत करने के लिए, वो गलत है। मैं जल्द ही जैसे मुझे ये कहेंगे जिस हिसाब से लीगल मेरे पास आए हैं तो ये मुझे कानूनी कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें जो भी स्टेप होगा जल्दी मैं उनको कानूनी नोटिस फाइल करूंगा कि भाई आप इसको फौरन तरीके से परिवार से माफ़ी मांगे और नहीं तो आपके खिलाफ़ जो भी लीगल कार्रवाई बनती गई वो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।